20-25 साल तक कॉलेज में सेवा देने का कोई फायदा नहीं। पीएससी के माध्यम से अब होगी भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, किंतु अतिथि विद्वान अब चाहते हैं फिक्स वेतन के साथ संविदा पर नियुक्ति। पीएससी के माध्यम से होने वाली भर्ती के खिलाफ अतिथि विद्वानों का राज्य शासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। धरना प्रदर्शन और मुंडन के बाद किया कैंडल लाइट का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पिछले 20-25 साल से पढ़ा रहे संविदा शिक्षकों ने राज्य शासन के खिलाफ गुस्सा दिखाया है। हम आपको बता दें, ये शिक्षक राज्य शासन के नियमों के तहत कॉलेज में पढ़ाने की पात्रता रखने के बाद ही संबंधित कॉलेजों में पठन पाठन का कार्य करते हैं, लेकिन उनकी कार्यकुशलता को नकारते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने पीएससी के माध्यम से नई भर्ती कराने का निर्णय लिया है, जिससे सरकारी कॉलेज में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वान सड़क पर आ जाएंगे। इसी के विरोध में आज रीवा की सड़कों पर कैंडल लाइट लेकर निकले अतिथि विद्वान। आपने सुना अतिथि विद्वान क्या चाहते हैं। ये अतिथि विद्वान पूर्व में भी अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन आंदोलन और मुंडन करा चुके हैं। सरकार कई वर्षों से इनको न केवल आश्वासन का झुंझुना पकड़ा रही है, बल्कि उस दिशा में सरकार को आगे कार्यवाही करनी चाहिए थी, लेकिन शायद सरकार की मंशा कुछ और ही है। तभी तो उसने सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2017 पीएससी के माध्यम से कराने का फैसला कर लिया है। अधिकतर अतिथि विद्वान 40, 45 और 55 साल की उम्र के आसपास हैं, जिनके पास 25 वर्ष के अध्यापन के कार्य का अनुभव है। 25 वर्ष के अध्यापन के बाद निकाले जाने पर जीने का और कोई रास्ता उनके पास नहीं है। यूजीसी के समस्त मापदंडों को पूरा करते हुए ये अतिथि विद्वान मध्य प्रदेश शासन की त्रिस्तरीय परीक्षा से चयनित होते हैं, जो प्रदेश की अन्य चयन प्रक्रिया से अधिक कठिन है। पूरे प्रदेश के साथ कैंडल मार्च निकालने वाले रीवा के अतिथि विद्वान भी अब आर पार लड़ाई के मूड में हैं। हमारे मध्य प्रदेश में ये हमारा चरणबद्ध आंदोलन चालू है, जिसमें पहले चरण में हमारा ग्वालियर में हुआ, 10 और 11 तारीख को हमने भोपाल में किया। ये हमारा तीसरा चरण चालू है, जिसमें प्रदेश के सभी 51 जिलों में हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इसके बाद फिर से 20, 21, 22 को हमारा ग्वालियर में आंदोलन है, जिसमें हम मुंडन भी करेंगे और साथ में पवैया जी का घर घेरेंगे। इसके बाद हम पुनः दिल्ली के लिए कूच करेंगे, जिसमें हमारा मुख्य रूप से मुंडन के साथ साथ धर्मांतरण जो है मुख्य मुद्दा होगा। हम ऐसे धर्म को अपनाएंगे जो हमारे बाल बच्चों को, हमारे घर परिवार को भरण पोषण प्रदान कर सके, हमारे जीवन को सुरक्षा भी प्रदान करे, ऐसे किसी धर्म को हम अपनाएंगे।